इस कहानी की शुरुआत में हम एक रुडोल्फ नाम के कैट को देखते हैं जो जापान के सिफू नामक सिटी में रहती है। वो एक पेट कैट थी, इसलिए वो अपने ओनर रे के साथ रहा करती थी। उसकी ओनर रे उसे काफी पसंद और प्यार किया करती थी, इसीलिए वो रुडोल्फ के लिए सभी चीजों को घर में ही अवेलेबल रखती थी। एक दिन रे किसी काम से बाहर जाने लगती है तो रुडोल्फ भी उसके साथ जाने के लिए उसके पास आता है, लेकिन रे उसे अपने साथ ना ले जाकर घर में ही उसे लॉक करके वहाँ से चली जाती है। रुडोल्फ बाहर की दुनिया देखने के लिए घर से बाहर जाना चाहता था, लेकिन दरवाजा बंद होने के कारण वो घर से बाहर नहीं जा पाता, तो वो एक पेड़ से होते हुए घर की छत पर जाने की कोशिश करने लगता है। उसके पास की एक कैट उसे छत पर जाने से मना करती है, लेकिन रुडोल्फ उसकी बात नहीं मानता और वो पेड़ से होते हुए घर के ऊपर चढ़ जाता है, जहां से उसे एक बहुत ही सुंदर प्लेस दिखाई देता है। माउंटेन और केबल कॉर्प के नजारे को देखकर उसे लगता है कि उसे भी अब बाहर ही रहना चाहिए। और इसी बीच रुडोल्फ की नजर दरवाजे पर जाती है जो कि खुला होता है, और इस सुनहरे मौके का फायदा उठाकर वो घर से बाहर आ जाती है। लेकिन घर के बाहर आते ही उसे उसकी रे दिखाई देती है, जिसे देखकर रुडोल्फ उसके पीछे भागती है। लेकिन रास्ते में आते हुए गाड़ी मोटर से रुडोल्फ डर जाती है और एक साइकिल से टकराकर एक फिश बॉक्स में चली जाती है। उस शॉप के ओनर को लगता है कि रुडोल्फ फिश चुराने आई है, इसीलिए वो उसे मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है, और वो रुडोल्फ को ऐसा मारता है कि वो जाकर एक वैन में गिरती है। वैन में गिरते ही वो बेहोश हो जाती है, और जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि वो अपने घर और शहर से काफी दूर आ चुकी है। इसी वजह से रुडोल्फ काफी हैरान होती है, और जब वो वैन रुकती है तो रुडोल्फ उस वैन से बाहर आती है, और मार्केट में बहुत सारे आदमी और भीड़ भाड़ को देखकर वो काफी हैरान थी, क्योंकि इससे पहले रुडोल्फ ने इतने सारे लोगों को एक साथ नहीं देखा था। इस वजह से वो भागते हुए एक सुनसान गली में चली जाती है, जहाँ उसे एक आवाज सुनाई देती है, और वो आवाज उससे कहती है कि लगता है तुम शहर में नई हो। वो डरते हुए ऊपर देखती है तो उसे वहाँ पर एक टाइगर कैट दिखाई देती है जो काफी बड़ी और मोटी थी। टाइगर कैट रुडोल्फ के पास आकर उससे उसकी फिश मांगता और कहता है कि यदि तुम इस फिश को नहीं दी तो मारी जाओगी। वो टाइगर कैट की बात सुनकर डर जाती है और अपने फिश को नीचे रख देती है। ये देखकर टाइगर कैट उससे कहता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। इसके बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते हो लेते हैं। रोड पार करते समय रुडोल्फ को एक ट्रक कुचलने ही वाला होता है कि तभी टाइगर कैट आकर रुडोल्फ को बचा लेता है, और वहीं डरी सहमी रुडोल्फ टाइगर कैट को अपनी सारी कहानी सुनाती है कि किस प्रकार वो अपने घर से बाहर घूमने के चक्कर में यहाँ तक आ गई। वो टाइगर कैट उसे अपना नाम गोटा लूट बताता है, लेकिन सभी लोग उसे टाइगर के नाम से बुलाते हैं। टाइगर जब उसे अपनी कहानी सुनाता है तो उसे अपने घर ले आता है, जो कि टोक्यो शहर का एक टेम्पल था। टाइगर को अभी तक ये पता नहीं था कि रुडोल्फ कहाँ से आई है। रुडोल्फ अपने साथ हुए इंसिडेंट से वो काफी डर जाती है और वो टाइगर के साथ ही रहने का सोचती है। अगले दिन टाइगर रुडोल्फ को अपने साथ खाने पर ले जाती है। टाइगर के साथ रहने पर रुडोल्फ को पता चलता है कि सभी कैट टाइगर से बहुत डरती हैं, और टाइगर वहाँ के जिस घर के सामने भी खड़ा होता है वहाँ से उसे खाने के लिए भोजन मिल जाता है। ये देखकर रुडोल्फ समझ जाती है कि टाइगर एक अच्छा और नेक दिल कैट है। टाइगर को सभी लोग अलग अलग नामों से बुलाते हैं। ये देखकर रुडोल्फ जब इसके बारे में टाइगर से पूछता है तो वो रुडोल्फ को बताता है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ और जिस इंसान से भी मैं मिलता हूँ उससे मेरा एक अलग रिलेशन बन जाता है, और वो जिस भी नाम से मुझे बुलाते हैं मैं उसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। रुडोल्फ टाइगर के बिहेवियर और इंसानों से लगाव को देखकर समझ जाता है कि वो पहले जरूर पेट कैट रहा होगा, और वो जब इसके बारे में टाइगर से पूछता है तो वो रुडोल्फ पर गुस्सा हो जाता है और वहां से चला जाता है। वहीं रुडोल्फ जब अकेला टाइगर के पीछे जाता है तो उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी उसके पास एक और कैट आता है जिसका नाम बक होता है। बक उससे कहता है कि मैं बहुत समय से तुम्हें देख रहा था। वो रुडोल्फ के पास आने पर उसे बताता है कि वो टाइगर को बहुत अच्छी तरह से जानता है, उसका मूड कभी भी चेंज हो सकता है, इसीलिए तुम्हें टाइगर से सेफ रहना चाहिए। वहीं बक बातों ही बातों में रुडोल्फ को टाइगर के सबसे बड़े दुश्मन डेविल के बारे में बताता है, जो कि एक डॉग था। रुडोल्फ जब बक की बातों को सुनता है तो उसे बक की बातों पर यकीन ही नहीं होता, क्योंकि वो जितना टाइम टाइगर के साथ स्पेंड किया था उसे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि टाइगर का कोई दुश्मन भी हो सकता है। वहीं बक रुडोल्फ को टाइगर की एक बीती हुई कहानी बताता है कि इस शहर में नया नया एक बुल डॉग आया था जो सभी कैट को बहुत परेशान किया करता था। तब उस समय टाइगर अकेला ही आकर उस बुलडॉग से फाइट करता है और उसे ऐसा सबक सिखाता है कि उसके बाद वो बुलडॉग किसी भी कैट को कभी परेशान नहीं किया। वहीं बातों ही बातों में बक रुडोल्फ को बताता है कि टाइगर पहले एक घर का पेट कैट था। इस बात को सुनकर रुडोल्फ को अब ये यकीन हो जाता है कि वो जो सोच रहा था वो सही था। इसके बाद वो टाइगर के पास जाता है और उससे बीते हुए उसके फाइट के बारे में पूछता है, तो इस पर टाइगर एक बार फिर से उस पर गुस्सा हो जाता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें ये सब मजाक लगता है, सरवाइव करना इतना आसान नहीं, क्योंकि अपने घर से निकलने के बाद हर एक दिन मौत के मुंह से निकलना पड़ता है, लेकिन ये बात घर में रहने वाली पेट कैट कभी नहीं समझ सकती। इस बात को सुनने के बाद रुडोल्फ टाइगर से कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान गया हूँ, पहले तुम भी किसी घर के पेट कैट रहा करते थे। टाइगर को जब ये समझ में आता है कि रुडोल्फ को उसके बारे में पता चल गया है तो वो
उसको लेकर अपने मालिक के घर पर आता है जो डेविल डॉग के घर के पास था। वहां जाने पर टाइगर उसे बताता है कि उसके मालिक अब अमेरिका चले गए हैं, लेकिन जाने से पहले उन्होंने मुझे पढ़ना और लिखना सिखाया ताकि मैं उनके चले जाने के बाद सर्वाइव कर सकूं। रुडोल्फ टाइगर से पूछता है कि अब तो तुम इस लैंग्वेज को सीख गए हो तो उससे तुम्हें फायदा क्या होता है। तो इस पर टाइगर उसे बताता है कि इस लैंग्वेज को सीखने से मुझे इंसानों के खाने की मेन्यू समझ में आ जाती है और इससे मुझे खाने में आसानी होती है। वो दोनों जब वहां से जाने लगते हैं तो डेविल उन्हें रास्ते में रोककर ताना मारते हुए कहता है कि देखो कैसे खाना ढूंढते हुए यहां तक आ गए। इसके बाद डेविल टाइगर को चिढ़ाते हुए कहता है कि अगर खाना ना मिला हो तो आओ मैं तुम्हें अपना खाना दे दूं। टाइगर डेविल को बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। ये देखकर रुडोल्फ टाइगर से पूछती है कि आपने डेविल को कोई जवाब क्यों नहीं दिया, जिस पर टाइगर उसे बताता है कि कुछ समय पहले मैं और डेविल दोस्त हुआ करते थे, लेकिन जब से मेरा घर छूटा तब से डेविल मुझसे चिढ़ता रहता है। इसके बाद टाइगर रुडोल्फ और बक को लेकर एक लाइब्रेरी में आता है जहां वो तीनों एक एनिमल बुक देखते हैं, क्योंकि टाइगर को बुक पढ़ना आता था, इसीलिए वो उस बुक को पढ़कर रुडोल्फ और बक को सुनाता है और उन्हें एक इमेजिनेशन दुनिया में ले जाता है। उस इमेजिनेशन की दुनिया में टाइगर उन्हें सभी एनिमल से मिलाता है। ये देखकर रुडोल्फ टाइगर से कहता है कि मुझे भी बुक पढ़ना सिखाओ। तो टाइगर उससे कहता है कि मैं जब बुक पढ़ना सिखाऊंगा तो तुम्हें कहीं आना जाना नहीं होगा, जिस पर रुडोल्फ टाइगर की बात मान जाता है और टाइगर उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करता है। टाइगर उसे लेकर एक टीचर के पास जाता है जो पहले टाइगर के साथ लाइब्रेरी जाया करते थे। रुडोल्फ जब उस टीचर के घर जाता है तो उसे टीवी में उसकी सिटी माउंटेन और केबल कॉर्प दिखाई देता है, जिसे देखकर रुडोल्फ काफी खुश हो जाती है। वहीं टाइगर जब उस सिटी को देखता है तो वो समझ जाता है कि वो सीफू शहर है जो टोक्यो से काफी दूरी पर है। ये देखने के बाद टाइगर रुडोल्फ को ग्लोब के जरिए बताता है कि सीफू शहर हमसे काफी दूरी पर है, लेकिन रुडोल्फ जब ग्लोब में सीफू और टोक्यो के बीच को डिस्टेंस को देखता है तो वो टाइगर से कहता है कि ये तो बहुत कम है, लेकिन टाइगर रुडोल्फ को बताता है कि ये एक ग्लोब है जिसमें सारी दुनिया बहुत छोटी दिखाई दे रही है, लेकिन असल में इनका डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है और तुम्हारा घर तो यहाँ से काफी दूरी पर है, इसीलिए तुम्हें काफी दूरी तय करना पड़ेगा और तुम्हारा अकेले वहां तक पहुंच पाना लगभग मुश्किल है। लेकिन रुडोल्फ को लगता है कि वो अकेले ही अपने सिटी पहुंच जाएगी, इसीलिए वो भागते हुए वहां से जाने लगती है। ये देखकर बक भी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रुडोल्फ किसी की भी बात नहीं मानती और जाकर एक ट्रक के अंदर घुस जाती है। अभी रुडोल्फ को ठीक से पढ़ना भी नहीं आता था, लेकिन टाइगर जब उस ट्रक के बारे में पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि एक फ्रोजन ट्रक है और कुछ ही दूरी पर वो ट्रक रुक जाती है, जिसका फायदा उठाकर टाइगर और बक रुडोल्फ को बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन तब तक रुडोल्फ पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी थी। टाइगर रुडोल्फ को बाहर निकालने के बाद बहुत डरता है, जिस पर रुडोल्फ टाइगर को कुछ भी नहीं कहती क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वहीं कुछ ही दिनों के बाद उन्हें सीफू जाने वाली बस के बारे में पता चलती है जो अगली सुबह वहां से निकलने वाली थी। ये बात पता चलते ही बक रुडोल्फ से कहता है कि तब तो इस खुशी में पार्टी होनी चाहिए, और वहीं बक रुडोल्फ से उसके फेवरेट डिश के बारे में पूछता है। तो रुडोल्फ को लगता है कि उसकी फेवरेट डिश वहां नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी वो अपनी फेवरेट डिश के बारे में बक को बता देती है। वहीं पास में टाइगर सारी बातें सुन रहा होता है। बातें सुनने के बाद टाइगर वहां से जाने लगता है और उनसे कहता है कि शाम को पार्टी में मिलूंगा, और शाम होने पर टाइगर जब वापस नहीं आता तो रुडोल्फ काफी परेशान हो जाती है। तभी बक आकर रुडोल्फ को बताता है कि टाइगर अपने पुराने मालिक के घर पर बेहोश पड़ा है क्योंकि उसकी फाइट डेविल से हो गई थी। ये बात जब रुडोल्फ को पता चलता है तो वो भागती हुई टाइगर के पास आती है और उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन टाइगर जब कोई हरकत नहीं करता तो रुडोल्फ लाइब्रेरी टीचर के पास जाती है और उन्हें लिखकर बताती है कि टाइगर इंजर्ड है। तो वो टीचर भागता हुआ टाइगर के पास आता और उसे एक हॉस्पिटल में एडमिट कराता है। बक रुडोल्फ को बताता है कि ये सब तुम्हारी विश पूरी करने की वजह से हुआ है, क्योंकि टाइगर ने जब तुम्हारी फेवरेट डिश के बारे में सुना तो वो डेविल से मांगने के लिए उसके पास चला गया, और डेविल इस बात का फायदा उठाकर पहले तो उसने टाइगर की काफी इंसल्ट की और अंत में अपने पास बुलाकर धोखे से टाइगर पर अटैक कर दिया। ये बात सुनकर रुडोल्फ काफी दुखी होती है और अपने आप को कोसती है, क्योंकि वो टाइगर की इस हालत का जिम्मेदार अपने आप को मान रही थी। थोड़ी ही देर में टीचर टाइगर को लेकर बाहर आता और उन्हें बताता है कि टाइगर अब खतरे से बाहर है। इसके बाद टीचर टाइगर को लेकर अपने घर पर जाता है और जब उसे होश आता है तो वो रुडोल्फ से कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ना चाहता था, लेकिन मेरे इंजर्ड होने के कारण तुम्हें अब अकेले जाना होगा। रुडोल्फ टाइगर को अपने साथ रहने और ध्यान रखने के लिए धन्यवाद करती है। तभी वहां पर बक आता है और रुडोल्फ को बताता है कि बस के आने का टाइम हो गया, तो रुडोल्फ टाइगर को गुड बाय करके वहां से निकल जाती है। रास्ते में वो बक से कहती है कि मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम करना है, और ये कहते हुए रुडोल्फ डेविल से बदला लेने के लिए उसके पास पहुंच जाती है। डेविल जब रुडोल्फ को देखता है तो उसे लगता है कि एक ही झटके में वो रुडोल्फ का काम खत्म कर देगा, लेकिन जब डेविल उसे मारने के लिए जाता है तो रुडोल्फ डेविल को अपने पीछे भगा भगा कर उसे एक पानी के कुएं में गिरा देती है। डेविल को तैरना भी नहीं आता था, इसीलिए रुडोल्फ डेविल को बाहर निकालते हुए उसे वार्न करती है कि इस बार यदि उसने कुछ ऐसा किया तो वो उसे इस बार माफ नहीं करेगी।
इसके बाद वो टाइगर के पास आती है और कहती है कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। जैसे जैसे समय बीतता है टाइगर की हालत सुधारने लगती है और कुछ ही दिनों में टाइगर बिल्कुल सही हो जाता है। वहीं उनके पास बक आता और उन्हें बताता है कि जिस घर में टाइगर रहता था वहाँ कोई और ऑनर आ रहा है। ये बात सुनते ही सभी कैट उस घर की ओर जाने लगती है। वहीं पर रुडोल्फ डेविल से मिलती है। डेविल रुडोल्फ से अपने किए पर माफी मांगता है और उसे बताता है कि किस प्रकार टाइगर अपने खाने के हिस्से में से डेविल को दिया करता था। लेकिन डेविल ने कभी भी टाइगर के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया। लेकिन अब डेविल अपने आप को बदलने की सोचता है और वो रुडोल्फ को अपने हिस्से का खाना देते हुए कहता है, मेरी तरफ से टाइगर से माफी मांग लेना। और रुडोल्फ जब टाइगर को डेविल के बारे में बताती है तो टाइगर डेविल को माफ कर देता है। टाइगर रुडोल्फ को लेकर एक शॉप के पास आता है और उसे बताता है कि कुछ ही देर में यहाँ पर एक बस आने वाली है जो सीधा रुडोल्फ के शहर जाएगी। लेकिन अब रुडोल्फ को टाइगर के साथ रहना पसंद आने लगा था, इसीलिए वो वहाँ से जाने से मना करती है। तो टाइगर रुडोल्फ से कहता है कि मैंने जो गलती की वो गलती तुम ना करो। इसके बाद टाइगर उसे गाड़ी का नंबर पढ़ना सिखाता है ताकि रुडोल्फ को पता चल सके कि कौन सी गाड़ी किस शहर जाएगी। रुडोल्फ एक बुक में से गाड़ियों के नंबर पढ़ना सीखती है। इसके बाद उनके फेयरवेल पार्टी का समय आता है और वो सब खूब मस्ती करते हैं। वहीं टाइगर उन्हें बताता है कि उसके मालिक सब कुछ लेकर अमेरिका चले गए। इसका मतलब कि टाइगर के मालिक अब कभी लौट कर नहीं आने वाले थे। ये बात सुनकर डेविल को काफी बुरा लगता है क्योंकि डेविल अब अपने दोस्त टाइगर को खोना नहीं चाहता था। वहीं अब रुडोल्फ के घर जाने का समय भी हो गया था तो रुडोल्फ बस का नंबर पढ़ते हुए अपने घर की ओर निकल जाती है। लेकिन वो जिस बस में बैठकर अपने घर जा रही थी उसका टायर पंचर हो जाता है, जिस कारण से रुडोल्फ को काफी लंबी दूरी पैदल ही तय करना पड़ता है। और फाइनली वो किसी तरह अपने घर पर आ जाती है। लेकिन घर आने पर उसे पता चलता है कि उस घर में तो पहले से ही एक और ब्लैक कैट आ गई है और रे ने उस कैट का नाम भी रुडोल्फ रखा है। दरअसल वो कैट रुडोल्फ का भाई होता है जो उसे बताता है कि ये फैमिली सिर्फ एक ही कैट अफोर्ड कर सकती है। तो ये बात सुनकर रुडोल्फ को काफी बुरा लगता है क्योंकि वो काफी उम्मीद लगाकर और काफी दूरी तय करके अपने घर आई थी। लेकिन जब उसे ये एहसास होता है कि उसकी जगह अब उस घर में नहीं है तो वो वहां से जाने की सोचती है और जाते हुए अपने भाई को कहती है कि तुम इस जगह पर रह सकते हो। ये कहते हुए रुडोल्फ वापस टाइगर के पास चली जाती है। लेकिन रुडोल्फ जब वहां पर पहुंचती है तो उसे वहां कोई नहीं मिलता। इस बात से वो काफी परेशान हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि उसने यहाँ पर पहुंचने में काफी देरी कर दी और टाइगर यहाँ से अमेरिका के लिए निकल चुका है। लेकिन थोड़ी ही देर में टाइगर अपने दोस्तों के साथ वहां पर आता है जिसे देखकर वो काफी खुश होती है और उनसे कहती है कि मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तो टाइगर रुडोल्फ को बताता है कि वो अमेरिका जाने ही वाला था कि तभी उसे पता चला कि उसके पुराने घर में जो रहने आया है वो उसका पुराना मालिक ही है। इसके बाद टाइगर सभी कैट को लेकर अपने मालिक के पास जाता है। टाइगर का मालिक टाइगर को देखकर काफी खुश होता है और वो उसके साथ साथ सभी कैट को खाना खाने के लिए देता है। वहीं पास के घर से डेविल सबको बताता है कि उसने अब तैरना सीख लिया है। तो टाइगर डेविल से कहता है कि अकेले रहने में कोई मजा नहीं, अगर जिंदगी के मजे लेने हैं तो अच्छे दोस्तों का होना बहुत जरूरी है। और इसी के साथ ये प्यारी सी मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।